रुक रुक रुको, अरे मेरा जूता चुप, अरे ठहरो, अरे वो लड़की। अब और क्या हुआ? अरे मेरा जूता। अरे किसका मुंह देखा मैंने सुबह सुबह? अब इस गाड़ी में बचाई क्या है? अरे ए मिस्टर, ए मिस्टर, क्या है? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों काफी दिनों से वीडियो नहीं बनाया था और मैं फिर स्टार्ट किया हूँ वीडियो बनाना। तो आज की वीडियो में आप सबको हम दिखाने वाले हैं दोस्तों इंसाफ फिल्म की शूटिंग लोकेशन। दोस्तों मैं बता दूं कि इंसाफ फिल्म आई थी 1997 में और करीबन उसके हिसाब से अभी 35-30 साल हो चुके हैं और मैं 30-35 साल बाद उस फिल्म की आप सभी को लोकेशन दिखा लूँगा जो कि इस जगह पे शूट किया गया था। दोस्तों आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है लोखंड वाला और लोखंड वाले में उस फिल्म का जो है कुछ सीन रिकॉर्ड किया गया था। आज मैं यहीं पे आप सभी को सारे सीन दिखाऊंगा मैच करके। दोस्तों मैं बता दूं कि जो है 35 साल हो चुके हैं तो काफ़ी यहाँ पे चेंज हो चुका है, काफ़ी बदल चुका है। तो कुछ सीन मुझे ऐसा जो है मिला है जो कि आपको मैं प्रॉपर मैच करा के स्क्रीनशॉट पर दिखा पाऊंगा और कुछ चीज़ जो है मुझे नहीं मिली है। काफ़ी दिन से मैं देख रहा था कि मिले तो मैं आपको दिखाऊँ लेकिन वो मुझे नहीं मिली और जो जो मुझे प्रॉपरली मिला है मैं आपको जरूर मैच करके इस वीडियो में दिखाऊंगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ इसी पे जो है यही है जो इसी के ऊपर जो फिल्म बनी हुई थी इंसाफ की शूटिंग की गई थी कुछ सीन था। तो आज हम वही सीन यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि वो सीन कैसा होता है। वो सीन होता है जो अक्षय कुमार सर जो है आते हैं कहीं पर जाते रहते हैं तो आइसक्रीम लेने के लिए बच्चों के लिए जाते हैं तो उनके पैर में डामर लग जाता है। तो डामर लगने के बाद जो है उनका जूता जो होता है शिल्पा शेट्टी के गाड़ी पे जो है वो रख देते हैं वो जूता लेने के लिए। उनकी गाड़ी जो है चली जाती है लेकर तो उसके पीछे पीछे भागते भागते हुए आते हैं लेकिन वो सीन जो है कहीं और पे लिए गए थे। काफ़ी सीन्स में दिखाया गया था लेकिन जो मेन सीन है और कुछ सीन है इस जगह पे लिए गए थे जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ। तो आपको वो सीन मैं मैच करके दिखाने वाला हूँ तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो सारे सीन जो यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे। देख सकते हैं ये है वो पुल जहाँ पे वो सीन रिकॉर्ड किए गए थे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और देख सकते हैं ये लोग जो कबूतर पकड़ रहे हैं यहाँ पे और ये सीन देखते हैं यहाँ पे और कुछ इस प्रकार के दिखता है आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे जो सीन लिए गए थे वो सारे सीन मैच करा के दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो ये पहले नहीं था, ये जो पाइप का भी बना हुआ है लोहे का ये नहीं था पहले। तो चलिए मैं जो सीन लिए गए थे ना वो आपको मैच करा के मैं दिखाता हूँ। दोस्तों एक सीन जो है मूवी का यहाँ से लिया जाता है और जब अक्षय कुमार सर भागते हुए आते हैं और एक सिग्नल का सीन दिखाया जाता है जब उनकी गाड़ी जो है सिग्नल पर रुक जाती है तो अक्षय कुमार जब खड़े होते हैं तो ये देखेंगे आपको तो ऐसे दिखाया जाता है इनके बैकग्राउंड में कुछ बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, ऐसा बिल्डिंगें दिखाई देती हैं लेकिन अभी फिलहाल जो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी नई बिल्डिंगें बन चुकी हैं तो प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आपको देखेंगे ना जो है तो डिवाइडर बना हुआ है ये वाला जो आप देख रहे हैं पहले ये नहीं बना हुआ था, एक ही बना हुआ था उसके पीछे वाला छोटा वाला तो जो उनके बैकग्राउंड में दिखाई देता है। तो एक सीन जो है ऐसे खड़े होते हैं जब सिग्नल छूटता है तो फिर अक्षय कुमार सर जो उसकी गाड़ी के पीछे जो है शिल्पा शेट्टी की गाड़ी के पीछे जो है भागते हुए जाते हैं। दोस्तों जो है एक सीन इधर से लिया जाता है जब अक्षय कुमार सर उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागते हुए आते हैं तो आप देखेंगे ना तो इसी तरफ से उनकी लाल कलर की जो गाड़ी होती है भागते हुए वो आती है और पीछे पीछे अक्षय कुमार जो भागते हुए आते हैं। दोस्तों तो आपको मैं बता दूं कि उनके बैकग्राउंड में आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, ये बिल्डिंग मैच कर सकते हैं, ये बिल्डिंग उनके बैकग्राउंड में दिखाई जाती है। अक्षय कुमार दोस्तों अभी बहुत सारा यहाँ पे पेड़ पौधे हो चुके हैं तो इसके लिए वो जो प्रॉपर बिल्डिंग नहीं दिख रही। पहले यहाँ पे कुछ बिल्डिंगें थी जो बनी हुई नहीं थी, अभी तो बहुत सारी बिल्डिंगें बन चुकी हैं। ये बिल्डिंग जो पहले भी वैसी थी और आज भी बिल्डिंग वैसे ही है। दोस्तों वो वही बिल्डिंग है जो इस फिल्म में दिखाई गई थी, इस फिल्म वाली बिल्डिंग है और मैंने इसका वीडियो बनाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वो इस फिल्म में बिल्डिंग दिखाया गया था और उसका कलर आज भी वैसे है जैसे पहले था। और इसी तरफ से जो है अक्षय कुमार भागते हुए आते हैं और उनकी जो कार होती है शिल्पा शेट्टी की लेके आते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ ऑटो आ रहा है यही सीन है। तो ऐसे कुछ सीन दिखाया जाता है, देख सकते हैं ऐसे ही लिया जाता है। और पीछे का आप बिल्डिंग देखें वाली बिल्डिंग ना ऊपर वाली तो आपको उनके बैकग्राउंड में आप मैच कर सकते हैं। तो भागते भागते हुए आते हैं दोस्तों, अक्षय कुमार जो है अपना जूता निकाल के उनकी गाड़ी पे मारते हैं। तो आपको एक बैकग्राउंड में दिखाता हूँ आपको दोस्तों, जब उनके मारते हैं जूता निकाल के तो आपको ये बिल्डिंग देखेंगे ना तो आप मैच कर सकते हैं। ये बिल्डिंग अभी भी वैसे है जैसे उस फिल्म में दिखाया गया था और ये बिल्डिंग जो है उनके जब जूता निकाल के मारते हैं जूता जाता है तो ये बिल्डिंग आपको बैकग्राउंड में देखने को मिलेगा। ये बिल्डिंग आपको दिखाई देती है आप देखेंगे वाली और उसके बाजू में जो बिल्डिंग है वाली। और दोस्तों ये जो कुछ बिल्डिंगे हैं ना अभी
ये अभी नई बनी हुई है, तो फिलहाल ये इतना नहीं समझ में आ रहा आपको, लेकिन ये बिल्डिंग आप देखेंगे ना, ये वाली बिल्डिंग, ये वाली तो आपको जरूर दिखाई देगी। उसमें जब अक्षय कुमार सर जो जूता खींच के मारते हैं ना, तो ये बिल्डिंग जरूर आपको मैच कर सकते हो, उसमें दिखाई देता है। दोस्तों जब अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी के गार के पीछे भागते हुए आते हैं, तो उनके पीछे ये बिल्डिंग दिखाई देती है, आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। पहले दोस्तों पीछे जो आप देख रहे हैं ना, पहले यहाँ पे पूरा एकदम कुछ भी नहीं था, अभी तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है दोस्तों। 35 साल और अभी बहुत होते हैं, तो 35 साल बहुत ज़्यादा होता है, तो 35 साल में सब कुछ ये देख सकते हैं चेंज हो चुका है। जो जो यहाँ पे नहीं था, अभी बहुत सारी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, और बहुत सारे ये डिवाइडर भी ये जो देख रहे हैं आप, ये भी नहीं था पहले, अभी ये बन चुका है। जो आप पेड़ और देख रहे हैं ना, ये सब कुछ नहीं था, पूरा ये मैदान रहा करता था। तो अभी 35 साल बाद चेंज हो चुका है, लेकिन जो अभी ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग 35 साल पहले भी था और आज भी ये बिल्डिंग मौजूद है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। 35-40 साल बाद जो है अभी भी ये बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है। तो दोस्तों उधर से लेके आते हैं, यहाँ पे जो है ना उनकी गाड़ी जो है खड़ी हो जाती है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है। शिल्पा शेट्टी जब पीछे देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहीं पर उनकी कार जो है खड़ी हो जाती है, इस जगह पे, इस जगह पर उनकी कार खड़ी हो जाती है। ऊपर जो है ये वाली बिल्डिंग आप जो है नई बनी हुई है, बाकी आप ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं जिसमें जो पिल्लर जैसा बना हुआ है ऊपर विंडो जैसा, वो उनके बैकग्राउंड मैच कर सकते हैं, दिखाई देता है। और अभी जो इसके सामने जो पेड़ पौधे हैं, तो बहुत सारा जो सब कुछ मिल चुका है। फिर चलेंगे तो आपको शिल्पा शेट्टी की जो गाड़ी होती है ना, इसी जगह पे उनकी कार जो यहाँ पे खड़ी होती है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, आप समझ जाएंगे। आप देख रहे हैं ये जो गार्डन देख रहे हैं ना, ये गार्डन है। पहले पूरा ये मैदान रहा करता था, ये यहाँ पर कुछ नहीं था, तो आप मैच कर सकते हैं। और ये बिल्डिंगें जो है नहीं बनी हुई थी, तो यहीं पर जो है उनकी कार जो है खड़ी होती है, और उनके बैकग्राउंड में जो है दोस्तों ना, ये बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। और अक्षय कुमार सर जो जूता निकालते हैं उनकी गाड़ी से, और ये सब बैकग्राउंड आपको उनके देख सकते हैं, देखने को मिलेगा, जो कि शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार बातें करते हैं, तो उनके बैकग्राउंड में कुछ बिल्डिंगें दिखाई देती हैं दोस्तों। तो इस तरफ जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो अभी तो बहुत सारा चेंज हो चुका है, बाकी उनके बैकग्राउंड में बिल्डिंग ये दिखाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, एक सीन जब ऐसा होता है, जब अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी जब जूता निकालती हैं, तो उनके ऊपर जब गिरते हैं, तो ऐसे सीन यहाँ पे दिखाया जाता है, ये सीन होता है, आप देख सकते हैं अभी भी वैसा है। तो ये सीन दिखाया जाता है गिरने पर, वो अक्षय कुमार जब हवलदार को बोलते हैं तुम यहाँ चले जाओ, तो शिल्पा शेट्टी जो है इस तरफ से यहीं पर कार होती है उनकी, आप ये बैकग्राउंड देख सकते हैं जो अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी खड़े होते हैं, तो ये डिवाइडर आपको देखने को मिलेगा। पहले ये वाला नहीं था, जो ये बन गया अभी अलग से नहीं था, तो आपको ये वाला देखने को मिलेगा, ये वाला जो ये देख रहे हैं ये वाला दोस्तों। या तो उस तरफ से जाती है शिल्पा शेट्टी जी, या तो इस तरफ से गाड़ी लेके चली जाती हैं, आप देख सकते हैं इधर भी कुछ बिल्डिंगे हैं। और दोस्तों इधर भी वो मैदान है, पहले मैदान था, आप देख सकते हैं इधर भी, और सीन जो है ऐसे लिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इधर से चली जाती हैं, लेकिन जो बिल्डिंग होती है दोस्तों ना, जो मैंने आपको दिखाया पीछे वाली बिल्डिंग, वही वाली बिल्डिंग अक्षय कुमार के बैकग्राउंड दिखाई जाती है। और बाकी इधर भी बिल्डिंगें हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें मुन चुकी हैं। और जब बिल्डिंग दिखाई जाती है ना, ये वाली दिखाई जाती है ऐसे करके, अभी यहाँ पे बस खड़ी हुआ है तो नहीं दिखा सकते हैं। बाकी जो उनके बैकग्राउंड में बिल्डिंग यही दिखती है जब जूता मुँह में लग जाता है। और शिल्पा शेट्टी मेरे ख्याल से इस तरफ से जाती है बाइक लेके, आप देख, सॉरी कार लेके इस तरफ चली जाती है ऐसे करके राउंड, फिर आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं और स्क्रीन शॉट भी मैच कर सकते हैं। और जो है ये सब चीज़ें जो आप देख सकते हैं, ये भी चीज़ें उसमें दिखाई जाती है और आप मैच करा सकते हैं। जो डिवाइडर भी वैसा है, और जो आप अक्षय कुमार इधर देखते हैं, तो अक्षय कुमार के बैकग्राउंड में जो ऐसी बिल्डिंग दिखाई देती है, ये बिल्डिंग दिखाई देती है जब उनके जूता निकालते हैं मुंह से, तो ये बिल्डिंग जो है इनके बैकग्राउंड में ऐसे करके यहाँ पे दिखाई जाती है, देखते हैं आप देख सकते हैं। और भी बिल्डिंगे हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये भी बिल्डिंगे मेरे हिसाब से ऐसे करके उनके बैकग्राउंड में दिखाया जाता है। उनका कैमरा जो होता है दोस्तों बहुत ही, आपको पता है कि बड़ा बड़ा कैमरा होता है, तो हर एक चीज़ें जो है क्लियर दिखती हैं, कहाँ पे क्या रखी हुई है क्या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये लोकेशन आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी, जो मैंने आज आप सभी को दिखाया 35 साल बाद इंसाफ फिल्म की आप सभी को मैंने शूटिंग लोकेशन दिखाई। तो अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ कुछ कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली, और जो जो मुझे मिला वो मैंने आप सभी को दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको कोई मन में कोई डाउट है या फिर कुछ है, तो मुझे आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई और लोकेशन है ऐसी, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें।
और आपको कोई भी लोकेशन देखना है तो मुझे कमेंट करें, मैं वो ज़रूर आपको दिखाऊंगा और लोकेशन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा जैसे मुझे मिलेगी। तो और मैं कई सारे लोकेशन आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी बारिश का मौसम है, बारिश आ रहा है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में।